खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल पर इत्मीनान का इजहार। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत। जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा, टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों को कैफे किरदार तक पहुँचाकर दम लेंगे। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रई इस्लाहात पर वज़ीर-ए-आला और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया। उस्मान खान अपनी रिपोर्ट के साथ। मुल्क की माशी सूरतहाल पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम जायजा इजलास। वज़ारत खजाना की IMF के वफ़द से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न, स्टॉक मार्केट में तेजी, हुकूमत के मजबूत माशी इकदामात की अक्कास है। अवाम के लिए रिलीफ और किए गए वादों की तकमील को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, महंगाई की शरह 38 से कम होकर 7% और शरह सूद 22 से कम होकर 15% पर आ चुकी। पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी सरगर्मियों और रोजगार के मौके में इजाफा होगा। दाद और रिकार्ड तरसीलात जर की बदौलत मुल्क की ज़र मुबादला के जखायर में इजाफा भी खुशाइन करार। ज़रई शोबे में इस्लाहात पर वज़ीर-ए-आला और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज तर करने की हिदायत। कहा, टैक्स चोर, उनके मावीन और सहूलतकार बचेंगे नहीं, सबको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।